गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक मेलानोमा, जो कि एक प्रकार का स्किन कैंसर है जो त्वचा की सबसे गंभीर बीमारी होती है, जिसे उसका मेन कारण मेलानोसाइट्स होता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी जो है कि व्हाट इज ए मेलानोमा, मेलानोमा क्या है एक्चुअल में। मेलानोमा इज ए वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। मेलानोमा एक गंभीर प्रकार का त्वचा का कैंसर है। मेलानोमा इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, जो कि जो कोशिकाएं हैं मेलानोसाइट्स से विकसित होता है। मेलानोसाइट लोकेटेड इन स्टर्नम बेसल एंड प्रोड्यूस मेलानिन। जो मेलानोसाइट है वह लोकेट होता है स्टर्नम, जो मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। मेलानिन क्या होता है, जो त्वचा को रंग देता है, त्वचा को जैसे ब्राउन है, वाइट है, इसके द्वारा जो त्वचा का रंग आता है वो मेलानिन के द्वारा ही आता है। जो प्रोड्यूस किससे होता है, मेलानोसाइट उसको विकसित करता है। और मेलानोसाइट कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्टर्नम के पास, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। जो मेलानोमा है वह आपकी आँखों में भी हो सकता है, और ये किसी भी आयु में, शायद अंदर भी, गले में, नाक में, या सभी किसी भी अंग में ये हो सकता है। सभी मेलानो जो रोग है, कोई भी सटीक कारण इसका कोई मतलब या कोई स्पष्ट कारण नहीं है। ये जैसे कहते हैं कि ये जो है सूर्य के जो यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, या ज़्यादा धूप में रहने से, या जो वो पर्सन है जो धूप में ज़्यादा नहीं निकलते हैं, उनको ये हो सकता है। मेलानोसाइट्स, व्हेन स्किन जब एक्सपोज्ड सनलाइट, मेलानोसाइट प्रोड्यूस मोर पिगमेंट कॉजिंग द स्किन टू टैन। यानी जैसे ही स्किन को हम सूर्य की किरणों में जाते हैं, तो स्किन में क्या है, मेलानोसाइट प्रोड्यूस होता है और वो पिगमेंट करता है और कॉजिंग होता है स्किन टू टैन को। समटाइम क्लस्टर ऑफ द मेलानोसाइट फ्रॉम नॉन कैंसरिन, यानी बेनाइन ग्रोथ होती है, कोल्ड मोल्स कहते हैं। ये मोल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अनयूजुअल मोल्स होते हैं, नॉर्मल मोल्स होते हैं, जो कि कारण बनते हैं। मोल्स कैन बी आइदर फ्लैट और राइज्ड, ये अलग अलग प्रकार की, जैसे बताया मैंने, इनकी शेप भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई राउंड होता है, कोई ओवल एंड आर स्मॉलर देन ए पेंसिल एरेजर, इन पेंसिल के समान होते हैं। जनरली हार्मलेस बट कैन बी बिकम कैंसरस, हार्मलेस होते हैं और कैंसर के लिए ये उत्तरदायित होते हैं। ऑल्थो मेलानोमा अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 5% स्किन कैंसर केसेज, इन कॉज मोस्ट स्किन कैंसर रिलेट टू डेथ। इंसिडेंस में ये हो गया कि जो है मेलानोमा 5% स्किन कैंसर केसेज होते हैं, कॉज मोस्ट कैंसर होता है डेथ में। इसका इंसिडेंस राइजिंग बाय 3% ऑफ द ईयर, यानी साल में 3 से 4 केस जो इंसिडेंस है। कॉज ऑफ मेलानोमा, के कॉलर मेलानोमा के क्या कारण होते हैं। नब्बे% ऑफ ऑल मेलानोमेट्स लिंक यूवी रेडिएशन, जैसे कि बताया हमने आपको। 8% आर ड्यू क्रोमोजोमल एबनोर्टीज, क्रोमोजोमल डीएनए आरएनए जो एबनोर्टीज है उसके कारण भी हो सकता है। अबाउट 2% आर अननोन, 2% लोग नहीं जानते ये किस कारण से होता है। कोज में ये भी हो सकता है, जैसे कि मेलानोमा जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रोमोजोमल एबनोर्टीज है, मेलानोमा तब होता है जब मेलानिन उत्पादन कोशिकाएं हैं, जो जिसे को मेलानोसाइट कहते हैं, वो त्वचा को रंग देते हैं। जैसे कि बताया आपको, आमतौर पर त्वचा कोशिकाएं एक नियंत्रण और अव्यवस्थित तरीके से विकसित होती है, जो मेलानोसाइट कोशिकाएं हैं। और ये जो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को मतलब हटा के अपनी जगह बनाती है, जहां भर जाती है, अतः बद्ध हो जाती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जैसे डीएनए नुकसान हो जाती है, यानी इन कोशिकाओं में जो, जैसे कि मैंने बताया क्रोमोजोमल एबनोर्टीज, ये कोशिकाएं क्या डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, नई कोशिकाएं जो नियंत्रण के बाद होने लगती है। अतः जो कैंसर कोशिकाएं एक समूह बन सकती है, और इस कारण से एक कैंसर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जो डीएनए में हो जाता है, जिसे कहते हैं मेलानोमा की ओर जाता है, यानी मेलानोमा कैंसर की ओर जाता है। रिस्क फैक्टर्स में पहला है फैमिली हिस्ट्री मेलानोमा, डायप्लास्टिक नेवी, नॉन कैंसरस बट अनयूजुअल लुकिंग मॉल्स, इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैनी नेवी ऑर्डिनरी मॉल्स मोर देन 15% सीवियर ब्लिस्टर सनबर्न्स फ्रैंकलिंग टेंडेंसी फेयर स्किन एक्सेसिव यूज ऑफ टैनिंग बेड्स जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन।
रिस्क फैक्टर्स में जैसे और भी हैं, जैसे फेयर स्किन्स, ये त्वचा में जैसे मेलेनिन है कम होने के कारण है, मतलब त्वचा का मेलेनिन में कम होना, जैसे कि कुछ लोग धूप में कम निकलते हैं, जो कि जिसके कारण से जो यूवी है वो नुकसान पहुँचाने कम सुरक्षा होती है, पहुँचाने में कम सुरक्षा देते हैं, इसमें जैसे त्वचा का रंग लाल, ज़्यादा गोरा या भूरा या हल्के रंग की आँखें, इच्छाएँ या धूप की तरह जो उसमें सिम्टम होते हैं। जैसे दूसरा है एक्सेसिव ऑफ लाइट एक्सपोजर, जैसे लीवर क्लोजर ऑफ इक्वेटर एंड हायर एलिवेशन, हैविंग मेनी मॉल्स ऑफ इंडिविजुअल मॉल्स, वीकेंड इम्यून सिस्टम। वीकेंड इम्यून सिस्टम का मतलब ये इम्यून में भी इम्पेयर्ड ऑफ यू टेक मीडियम एंड सुप्रेस टू इम्यून सिस्टम सच एज, जैसे कि आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और इफ़ यू हैव ए डिजीज दैट इम्पेयर्स द इम्यून सिस्टम सच एज, जैसे कि एड्स, ये डिजीज हो गई जो मेलानोमा को रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आपके साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम में जैसे कि बताया मैंने आपको, मेलानोमा शरीर के कहीं भी कहीं किसी हिस्से भी हो सकता है, मुख्यतः ये पैर पे उन क्षेत्रों में जो ढके रहते हैं जिसमें सूर्य किरणें अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाती, ऐसे क्षेत्रों में बहुत धूप नहीं निकलते हैं। मेलानोमा कैन अपीयर सडनली एंड न्यू मॉल कैन बी डेवलप स्लोली एंड नियर एंड एग्जाइटिंग इन मैन। मेलानोमा आर ऑफन फाउंड बिटवीन द शोल्डर, लिप्स एंड फोरहेड एंड नेक एरिया। इन वुमेन मेलानोमा ऑफ्टन डेवलप ऑन द लोअर लेग्स एज वेल बिटवीन शोल्डर एंड हिप्स। इट मे ऑल्सो अपीयर अंडर द फिंगर नेल्स और टो नेल्स ऑन द पाम्स एंड सोल्स। अब है जैसे कि मैंने बताया मॉल्स, जो ए बी सी डी मॉल्स है, यानी मॉल जो होते हैं नॉर्मल सामान्य आमतौर से एक मॉल्स होते हैं सामान्य रंग के होते हैं, जैसे कि किसी का कलर भूरा होता है या एक अलग ही त्वचा होती है जिसको ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, जिसको तिल कहते हैं अपन नॉर्मली लैंग्वेज में, जो कि अंडाकार होते हैं, गोल होते हैं। यानी उसमें क्या होता है, पहले जो मॉल्स होते हैं जो तिल्स है उनका जो वो है 1/40 inch, लगभग 6 millimeter से छोटे होते हैं, जिसको कहते हैं पेंसिनेटर के समान होते हैं ये। अधिकांश तिल बचपन में दिखाई देने लगते हैं, 40 वर्ष की आयु तक ये बन सकते हैं, तन अधिकांश लोगों को ये 40 से भी होते हैं। अब है जो मॉल्स है, जैसे ये आते हैं अनयूजुअल मॉल्स में। अनयूजुअल मॉल्स जो कि विशेषता होती है जो पहचानने में मदद करते हैं, जो मेलानोमा या अन्य त्वचा कैंसर का संकेत दे सकते हैं, जो कि अनयूजुअल मॉल्स, जिसके पहला है ए, यानी ए फॉर एसिमेट्री, यानी एक विषम आकार, अनियंत्रित आकृति समान मॉल्स देखे जाते हैं जिसमें बहुत अलग दिखाई देते हैं या हल्के होते हैं। ए 1/2 मॉल बर्थ मार्क डज नॉट मैच द अदर। बी यानी बॉर्डर अनियंत्रित, यानी एड्स होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, रेज्ड होते हैं, नोट्स होते हैं और ब्लड होते हैं। सी यानी कलर शो रंग परिवर्तन के लिए होते हैं, उन विकारों की तलाश करते हैं जिनमें कई रंग होते हैं, या रंगों का असमान वितरण, यानी कई प्रकार के कलर होते हैं, जैसे कि द कलर इज नॉट सेम ऑल ओवर एनी इंक्लूड सेट ब्राउन ब्लैक समटाइम्स इन पैचेस ऑफ पिंक रेड व्हाइट एंड ब्लू। नेक्स्ट है डी ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर मतलब व्यास को के लिए होता है, जैसे कि मैंने बताया 1/4 inch, यानी 6 millimeter से जो बड़े तिल हैं वर्दी दिखाने लगते हैं, जैसे कि द स्पॉट लार्जर थिन 6 millimeter अक्रॉस अबाउट 1/4 inch, द साइज ऑफ पेंसिल इरेजर, यानी पेंसिल इरेजर के समान होते हैं। ऑल थ्रो मेलानिन कैन बी सम टाइप कैन बी स्मॉलर देन दिस। ई यानी इवोल्विंग, विकसित करने के लिए या समय के साथ बदलाव देखे इसमें जा सकते हैं। एक तिल प्रकार का बढ़ता है और रंग का आकार भी बदलता है, इस प्रकार का होता है। दिस स्मॉल इज चेंजिंग द साइज शेप एंड और कलर। अब लेते हैं हम इसके टाइप्स, जो है स्टोमोरोलॉजिकल टाइप्स, जो पहला है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, नोडुलर मेलानोमा, लेंटिगो मेलिग्ना मेलानोमा, एक्रल लेंटिजीनिया मेलानोमा, एमिनेडोटिक मेलानोमा। तो पहले लेते हैं हम सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप, 70% अपीयर एज ए फ्लैट पिगमेंटेड लीजन ग्रोइंग इन द रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट है नोडुलर मेलानोमा, सेकेंड मोस्ट कॉमन 15%, जो कि रीजन होते हैं वर्टिकल ग्रोथ पैटर्न, रेस्ट प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द हायर एवरेज ट्यूमर थिकनेस।
लेंटिंगो मेलनोमा, मेलिग्ना मेलनोमा, सन डिमेज्ड स्किन, फ्रेट डार्कली पिगमेंटेड लीजन विद इरेगुलर बॉर्डर्स एंड हिस्ट्री ऑफ स्लो डेवलपमेंट। एक्रेल लेंटिजीनियस मेलनोमा, सब लिंगुअल एरियाज एंड ग्लोबेस स्किन ऑफ द पाम्स एंड सोल्स सीन ऑफ द प्लेक्स। एमिनियोटिक मेलनोमा, अनकॉमन डिफिकल्ट ऑफ डायग्नोस, लैक ऑफ पिगमेंटेस। अब है स्टेजेस, स्टेजेस क्या होती है, स्टेज में क्लार्क लेवल ऑफ विरसलो डेप्थ के अनुसार जो लेवल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, इसको बोलते हैं क्लार्क लेवल्स, जिसमें स्किन के सभी यानी एपिडर्मिस, डर्मिस और फैटी ट्यूसिस जो है, जो ब्रेसलो डेप्थ है उसको भी इंड्यूस करता है, सॉरी दिखाता है, सीन करता है। अब क्लार्क क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ इन्वेजन, यानी ये वो लेवल है जो इनविजिबल है। पहला है लेवल फर्स्ट, लीजन इन्वॉल्विंग होते हैं ओनली द एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस तक ही होते हैं, इन सीटू मेलनोमा, नॉट एन इनविजिबल लीजन। लेवल सेकेंड, इन्विजन ऑफ द टाइप पेपिलरी डर्मिस बट डज नॉट रीच द पेपिलरी रेटिकुलर डर्मल इंटरफेस। लेवल थर्ड, इन्विजन फील्स एंड एक्सपेंड्स द पेपिलरी डर्मिस बट डज नॉट पेनिट्रेट द रेटिकुलर डर्मिस। लेवल फोर, इन्विजिव इन टू रेटिकुलर डर्मिस बट नॉट इन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। लेवल फाइव, इन्विजिव थ्रो द रेटिकुलर डर्मिस इन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ब्रेसलो लेवल ऑफ इन्विजिव, करंट स्टेज ऑफ सिस्टम एंड बेस्ट एंड डेप्थ इन विजन मेजर यूजिंग ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। करंटली ब्रेसलो लेवल ऑफ होता है 1 mm या 1 mm टू 4 mm या 4 mm टू यूज फॉर TNM स्टेजिंग। नेक्स्ट लेते हैं डायग्नोसिस, मेटास्टिस वर्कशॉप डन बाई स्टेज थर्ड ऑनवर्ड्स, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एब्डोमेन, PET CT, पेट स्कैन जिसको बोलते हैं, MRI ब्रेन। ट्रीटमेंट पहले लेते हैं हम अर्ली स्टेजेस, यानी अर्ली स्टेज वाइड लोकल एक्सीजन के द्वारा हम लेते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। मोर एडवांस में क्या है, तो वाइड लोकल एक्सीजन प्लंटर सेलून नोड बायोप्सी लेते हैं, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन से स्टेज में जो मेलानोमा या स्किन कैंसर है। पैथोलॉजी, लिम्फेडोडेक्टोमी, ऑब्जर्वेशन और इंटरफेसन। मेटास्टेटिक, क्लिनिकल ट्रायल, रेडिएशन एंड सिस्टमेटिक थेरेपी दी जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी कुटेनियस मेलानोमा स्टेज टू, स्टेज जीरो में क्या करते हैं, C2 यानी सूचर ऑक्सीजन जो देते हैं, यानी सीरा जो लगाते हैं 0.5 mm मार्जिन में। स्टेज पर 1 mm थिक ऑक्सीजन जो इंसिजन लगाते हैं वो 1 mm मार्जिन। स्टेज 1-2 जो है 1-4 mm थिक, उसमें इंक्लूडिंग है स्टेज 4 में 4 mm थिक, जिसमें चेस्ट एक्टर ऑप्टिमल, LDH ऑप्टिमल। इसमें इवोल्यूशन करते हैं लिम्फेटिक मैपिंग एंड सिंथेमेटिक लिम्फ नोड्स बायोप्सी साथ में। इसमें इंसिजन दिए जाते हैं 2 cm मार्जिन विदाउट मैपिंग, ऑक्सीजन देते हैं 2 cm मार्जिन एंड मैपिंग एंड सेंटिनल लिम्फ नोड्स बायोप्सी, जिसमें दो होते हैं, नोड नेगेटिव, नोड पॉजिटिव। कॉम्प्लिकेशंस, लिम्फ नोड डिसेक्शंस, वो डिसेक्शन निपट करता है लिम्फ नोड पे। अब वाइड एक्सीजन क्या होता है, रिगार्डलेस टू ट्यूमर डेप्थ ऑफ एक्सटेंशन सर्जिकल एक्सीजन होता है। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, इट डीप फ्यूसल इज नॉट इन्वॉल्व, फेसिया इज लेफ्ट इंटैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल मार्जिन फॉर वाइड एक्सीजन एंड प्राइमरी मेलानोमा, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं वाइड एक्सीजन के एंड प्राइमरी मेलानोमा के, जिसकी में ट्यूमर थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड क्लिनिकल मार्जिन हैं, जो कि इस डायग्राम या इस मार्जिन में भी मॉडिफाई एसोसिएट इन्वॉल्विंग एटोनॉमिक और फंक्शन डिस्कंसन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी डायग्राम ऑफ इंजेक्शन साइट्स एंड सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ द लिम्फ नोड्स, किस प्रकार हम लिम्फ नोड एक्सपोज करते हैं, जैसे कि स्पेकुलम के द्वारा हमने स्किन को रिट्रैक्ट करके इस लिम्फ नोड को बाहर निकाला, जिसको कहते हैं सिंथेटिक लिम्फ नोड, यानी एप्लीकेशन निफेटिंग चैनल्स। जो साइड्स दिखाई है सिंथेटिक लिम्फ नोड्स, जो कि हो सकता है यहाँ पे एफरेंशियल लिम्फ नोड चैनल ये हो सकता है, प्राइमरी मेलानोमा यहाँ हो सकता है और सेंट्रल मेलानोमा नोड यहाँ हो सकता है। बायोप्सी, SLN बायोप्सी, साइडलाइन बायोप्सी जो से होती है, ये प्रोब है, प्रोब के द्वारा हम छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा इस बायोप्सी को लिया जाता है। जो साइड्स है बॉडी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम में दिखाई गई है,
इलेक्टिव लिफ नोड्स डिसेक्शन किस प्रकार होता है? यूज द प्रोफिलैक्टिक डिसेक्शन क्लिनिकली नेगेटिव नोड्स इन कंट्रोवर्शियल नो प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग स्टडीज हैव डेमोस्ट्रेट दैट इलेक्टिव एलएन डिसेक्शन इम्प्रूव सर्जरी इन पेशेंट्स विद इंटरमीडिएट थिकनेस मेलानोमा बाय एसएलएन बायोप्सी माइक्रोमेटासिस आइडेंटिफाई रिमूव्ड नोड सेंट फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन ए कंप्लीट एलएन डिसेक्शन इज ए परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है इसमें डिसेक्शन शुड बी कंप्लीट ग्रोइन डिसेक्शन डीप इलियक नोड्स मस्ट बी रिमूव्ड अलोंग विद द सुपरफिशियल इनगुइनल नोड्स। एक्जलरी डिसेक्शन में क्या होता है? ऑल लेवल्स वन सेकेंड थर्ड शुड बी रिमूव्ड हेड एंड नेक सुपरफिशियल प्रोडक्टेक्टोमी टू रिमूव पैराटोइड नोड्स एंड मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं इसमें? वाउंड सेरेना सेलुलाइटिस आ सकता है, लिम्फ एडिमा हो सकता है। टारगेट थेरेपीज क्या क्या होती है? ब्रेफ इनहिबिटर यानी PLX 0. वेमुरापी थेरेपी होती है जो कि रेडिएशन के थ्रू दी जाती है। किट इनहिबिटर यानी ये भी इमांटिनिब मिसिलेट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी जो कि स्टेज पे डिपेंड करती है कि स्किन कैंसर कौन सी स्टेज है, जिसमें है डेकाब्रिजिन इन ड्रग ऑफ चॉइस अदर ड्रग्स होती है सिस्प्लेटिन पेसिलिटेक्सन डोसिटेक्सल या टीमोजोलोमाइड। अब इम्यूनोथेरेपी जिसमें क्या क्या हम इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं? इंटरल्यूकिन यानी IL-2 एंड इंटरफिरोन या हाई डोजेज सेकेंड देते हैं BCG। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स जिसमें बोलते हैं लिपिडुमैब। ट्यूमर वैक्सीन में कौन कौन सी है? पॉलीवैक्सिन मेलानोमा के वैक्सीन जिसको बोलते हैं कैनवैक्सिन। एलोजेनिक मेलानोमा सेल स्लेट यानी मेलासिन दी जाती है। नेक्स्ट देती है डिटॉक्सिफाइड इंडोसॉक्सिन या माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल स्केलेटन या डिटॉक्स कहते हैं जिसको। दूसरे देते हैं GP100DNA वैक्सीन GM-CSF2 सेकेंड जनरेशन ओनको लाइटिक हर्पस वायरस वैक्सीन। रेडिएशन क्या होता है? यूज इन सम केसेस हाई डोजेज नॉट सो यूजफुल। फॉलोअप में एलिमेनोनोसाइट एवरी 6 months 2 years देम एनुअली एडवांस मेलानोम एवरी 3 months फॉर 3-4 years एवरी 6 months एंड 1 year आफ्टर लेटर एनुअली। दिस इज कंप्लीट द मेलानोसाइट देन स्किन कैंसर टाइप्स कॉज रिस्क फैक्टर्स सिम्टम ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट थेरेपीज टूडे। थैंक यू एवरी वन ऑल ओवर।